भर में अयोध्या मुद्दे को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उसी के चलते इंदौर में संत समाज के सभी लोग एक जगह एकत्र हुए, जिसमें कंप्यूटर बाबा के साथ राधे राधे बाबा व पूरा संत समाज मौजूद था। उन्होंने सभी से अपील की है कि अयोध्या के आने वाले फैसले को लेकर सभी को न्यायपालिका का स्वागत करना चाहिए और सभी से शांति करने की अपील भी की। संत समाज आज इंदौर का पूरा नीचे बैठ गया राजमंडल ऊपर रखा है। आज राधे बाबा हमारे जो उनके आश्रम में बैठक रखी और निर्णय लिया कि सभी संत समाज मिलकर के और जो उच्चतम न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय राम मंदिर के विषय पर जो फैसला आने वाला है उसका सब सम्मान करें और संत समाज से भी आग्रह किया है कि अपने अपने शिष्यों को भी अपने भक्तों को भी जो हर हमारे महात्माओं के हजारों भक्त हैं अपने अपने भक्तों को भी निर्देश दें कि किसी भी प्रकार का निर्णय चाहे वो हमारे पक्ष में आए चाहे मुस्लिम पक्ष में किसी पक्ष में आए राष्ट्र को देखते हुए हमें न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। जहाँ कंप्यूटर बाबा ने दोनों धर्म के व्यक्तियों से शांति और सद्भावना रखने की अपील की है, वहीं मामले को चलते उन्होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की संप्रदाय को भड़काने वाली पोस्ट और मैसेज ना डाले। वहीं कई लंबे समय से कंप्यूटर बाबा राजनीति में भी हस्तक्षेप रखते हैं, इसलिए उनका यह बयान संत समाज की ओर से प्रमुख बयान भी है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग ना दे, क्योंकि राजनीति रंग आने से आम जनता को कहीं नुकसान ना हो, इसलिए आप अपने धैर्य और विवेक से किसी भी निर्णय को सुने और समझे भी। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा क्षेत्र में महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा जी के आश्रम में संत समाज की एक अति महत्वपूर्ण बैठक को बाबा जी ने बुलाया था, जिसमें शहर भर से इसमें संतजन उपस्थित हुए, इसमें आदरणीय श्री कंप्यूटर बाबा जी भी उपस्थित रहे। संत समाज की बैठक में सभी आदरणीय संत लोगों ने मिलकर जो है ये निर्णय लिया कि आगामी दिनों में जो राम जन्मभूमि अयोध्या और बाबरी मस्जिद के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आना है उसको लेके सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं, इसको बिल्कुल राष्ट्र के फैसले के रूप में लेना है, किसी व्यक्ति का धर्म विशेष के रूप में इस फैसले को नहीं लेना है।